दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची सतना जिले के अमरपाटन के निवासी युवती ने ऑटो चालक के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि वह अमरपाटन से रीवा पहुंची थी, जहां ऑटो से प्रकाश चौराहा जाने के लिए बैठी, लेकिन ऑटो चालक उसे ऑटो में बैठाकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र ले गया, जहां एक बोरी सामान रखवाने के बहाने उसे घर के अंदर कमरे में ले गया और चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। आरोपी ने उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसे दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी दूसरे दिन महिला को रेलवे स्टेशन छोड़ गया तो युवती अपने गृह ग्राम पहुँच गई, लेकिन साथ में हुई घिनौनी हरकत उसे मुँह खोलने के लिए मजबूर कर दिया तो वह शिकायत करने अमरपाटन थाना पहुंची, तो अमरपाटन पुलिस ने घटनास्थल चुराहटा थाना होने की बात कहकर उसे रीवा भेज दिया। पीड़िता चुराहटा थाना पहुंची तो वहां गंगा सिंह नाम का पुलिसकर्मी मिला, जो हज़ार-दो हज़ार रुपए लेकर समझौता कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँची और आप बीती सुनाई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता ने क्या बताया और दुष्कर्म करने वाला आरोपी कौन है जिसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरी घटना ये हुई है कि मैं 22 तारीख को जा रही थी यहाँ अपनी सिस्टर की दवाई कराने रीवा दिखा पे। मैं वहाँ से फिर उसकी दवा कराने के बाद मैं बस में भेज दी, तो बस में भेजने के बाद फिर क्या कि मैं अपनी बुआ जी के यहाँ चली गई, फिर वहाँ से मैं शाम को लौटी। फिर लौटने के बाद मुझे मार्केट जाना था, शाम मेरे को 7 बज गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं गाड़ी का वेट करती रही, फिर इस लड़के ने गाड़ी लेकर ऑटो आई उसकी, मैंने रुकाई, उसने रोका। वहाँ जाने के बाद मैंने क्या हुआ, मुझे जाना था प्रकाश चौराहा कपड़ा लेने, वो प्रकाश चौराहा नहीं ले गया, बस स्टैंड से पीछे मतलब सिरमौल चौराहा, फिर वहाँ से ले गया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ले जाने के बाद मैंने बोला भैया कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, बोला कि थोड़ा काम है इसके बाद मैं वहाँ से आती हूँ, यानी लौट रही हूँ, फिर थोड़ा सा काम मैं कर लूँ। काम करने के बाद उसने क्या किया, एक बोरी है मेरी बोरी रखवा दो, बोरी। मैंने बोला कि बोरी क्यों रखवाऊँ, बोले नहीं थोड़ा हेल्प करा दो, जाना आपको भी है जाना मेरे को भी है। मैंने बोला ठीक है, फिर उसने लेकर गया मेरे को अंदर, अंदर लेके गया मुझे बैंड लिया अंदर है। अंदर बैठने के बाद क्या किया कि मेरे को चाकू दिखाने लगा, चाकू दिखाने लगा वहाँ अंदर, मेरे को बैंड लिया मतलब मेरे पास, मेरे साथ रात भर बलात्कार किया, पूरी रात बलात्कार किया। उसके बाद उसने वीडियो बनाया, मेरा वीडियो बनाने के बाद उसने क्या किया कि एक नंबर भी मेरे को दिया, नंबर लिया, बोला कि अगर जब हम बुलाएंगे आप नहीं आओगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगी, इस तरह मेरे को बोल रहा था। फिर उसने रात भर मेरे साथ ऐसा किया, फिर उसके बाद मुझे सुबह रेलवे स्टेशन छोड़ा, मैं डर गई थी, डरने के वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाई। फिर मैंने वहाँ से सीधे घर गई, घर जाने के बाद मैं किसी से भी नहीं बताई, ना अपने माँ बाप किसी से भी नहीं बताई। फिर मेरा दम घुट रहा था जाने के बाद। शिकायत आपने की, उसके बाद किसी पुलिसकर्मी द्वारा समझौते की बात करी? हाँ हाँ, फिर मैंने अमरपाटन में सोचा तो एक भैया थे, उसने बताया कि नहीं वहाँ की घटना है आप वहीं करवाइए। तो इसके पाटन में गई कि चुराहटे? नहीं, पहले मैं अमरपाटन में गई तो बोले कि नहीं ये अमर रीवा की है तो वहीं करवाइए आप। फिर शिकायत दर्ज कराए कहाँ दर्ज कराए, क्या आश्वासन मिला वहाँ से कार्रवाई के लिए? शिकायत दर्ज कराए यहाँ चुराहटा थाना पे, उसने बोला कि ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को बोल रहे थे कि जो पैसा लेना हो वगैरह 1,000-2,000-1,500 रुपये ले लो और मामला शांत करा दो। ये गंगा सिंह एस आई है, ये चुराहटा थाना पे हैं, ये बोल रहे थे। और एक वकील मेरे को फ़ोन लगाया था, वो बोल रहा था कि केडी सर के ऐसा कुछ नाम है, वो बोल रहा था कि कुछ पैसा ले लो और यहीं बाहर मामला शांत करा दो, इस तरह मेरे से बोल रहे थे। जिसने आपके साथ गलत काम किया उसके क्या नाम है? उसका नाम है छोटू भी बोलते हैं और हरी शंकर साकेत बोलते हैं। ये मेरे को वहाँ मिला था, देखा आप ऑटो चलाता है।